तेरा सुनील खान। ये लें दर्शक, दे लें ये अभी रिसेंटली बनाया गया है 26/4/2014 में। गुड स्टिकर, सेव वाइल्ड लाइफ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। ब्लैक फोल्डर, बंदर बहुत शैतान है। एक ही है ये बंदर, दूसरा ये है। हाँ ये आ गया। बच्चों के लिए तफरी मकाम, यहाँ पे फैमिली आ सकती है आराम से।
अरे साहब वो अकेला गरीब उछतानिया कर रहा है। हाँ, अकेला हर... ऑस्ट्रिच आजकल पाकिस्तान में इनकी सही फार्मिंग हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान में इनकी फार्मिंग शुरू हो गई है। पहले इसका गोश्त 1800 रुपए किलो मिलता था, अब सुना है सस्ता हो गया है। किसी ज़माने में अफगान कौम इनके ऊपर ना बैठ के दौड़ लगाती थी। सबसे ज्यादा जर्दी इनके अंडे में होती है ना। सबसे बड़ा और यार बारह सिंगा तो नहीं है ना ये। नहीं, उड़ियाल बलूचिस्तानी उड़ियाल बलूचिस्तान में, और पंजाबी उड़ियाल पंजाब के शुमाल मगरबी ज़िला यानी कि ये पोठवार रीजन में पिंडी से आगे जेलम वगैरह ये इलाकों में चित्राल वगैरह में ये उसमें क्या नाम है इसका एक तो जेलों में जेलों के साथ कौन चकवाल इसकी खूबसूरती का तारीफ साहब राज जो है ना ये दिग्गज खेत हैं सारे और दरख्त हैं। इस पार्क की खूबसूरती का ये राज है। ये काला हिरन है तारे साहब, ये काला हिरन है, ये बावलपुर में ज़्यादा पाया जाता है, जिसके लिए अरबी शहजादे शिकार के लिए आते थे ना ये। हाँ काला हिरन, वो सामने वाला, ये वाला नहीं, वो वाला, ये तो पाड़ा हिरन है ना, वो हाँ वो काला हिरन है, वाला। हाँ सिंह वाला जो काला हिरन है ना वो इंडिया में उसकी इबादत करते हैं कुछ कबीले। हाँ जी, जिसके केस में सुलेमान खान ने अभी तक वो जेल भी भुगती है ना काला हिरन के केस में, क्या किया शिकार किया था। चलते हैं।
नहीं आज तो सर सब ये बांस है हा? ये बांस जो है ना बांस लिगारी बिरादरान के इनके जो है ना बाग है मुरब्बों पे अच्छा इनके जो है ना वो है के जंगल है बहुत ज्यादा काश करते हैं ये इतने बढ़ते हैं कि कहते बांस के जंगल में जो है ना सोना नहीं चाहिए कौन जाता है सब ये हमारे पास उससे आता है ये मुर्गा भी है ये छोटे मुर्गा हैं सर वो कूंज है कूंज कूंज जिसको कहते हैं जो साइबेरिया से आते हैं मुर्गा में भी तकरीबन साइबेरिया से आती है जी ये छुपाए रहती है ना इस तरह तो छुपा लेती है ये देखें एक पाँव उसने वो किया हुआ है हाँ एक पाँव पे खड़ी है कुदरत की शान है यार देखो बैलेंस बाकी तो बतखें हैं दरअसल मुर्गाबी कौन सी ये सारी मुर्गाबी ये देखो बड़ी मुर्गाबी है अच्छा अच्छा ये वाले हाँ ये हाँ ले वो अभी तक एक टांग पे खड़ी है ये क्यों तारे सब कौन सी वो क्या नाम है कूंज ये डेर गाजी खान में भी बोते हैं कौन सी वो मुर्गाबी वो जो यार वो सबसे हाँ सबसे बड़ी जो यार इतनी ज़्यादा फासले तक तो नहीं ये नहीं उड़ती तारे साहब फिर ये साइबेरिया से कैसे आ जाती है यार इतनी दूर बस ज़्यादा फासले तक तो नहीं उड़ सकती कूंज उड़ सकती है उड़ती है ये मैंने तो ये सुना है कूंज के ऊपर बैठ के आती है ये कूंज खाती क्या ये क्या खाती है मुर्गाबी ये कीड़े मकोड़े वगैरह ज्यादा दरिया के किनारे पे होती है इसको हम जाने बोलते हैं ये वाले नहीं वो नहीं वो अच्छा वो, अच्छा अच्छा वो ये हैं इसके साथ तीतर हैं हाँ वो फिर रहे हैं तीतर अस्सलाम वालेकुम जी जनाब आओ जी आओ सर मैं आपको कप्पन ਕੜੇ ਨੇ ਬਜਾਜ ਸਬਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਗਸਤ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਮੋਲੇ ਗਲੋ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀ
ये सारा व्यू डीआई खान के चिड़ियाघर का, बहुत ही कुशादा और खूबसूरत चिड़ियाघर है। क्योंकि इधर सारे खेत हैं तो उसकी खूबसूरती में और इजाफा करते हैं, और दरख्त हैं, बहुत मज़ा करता है। बड़ी खामोश जगह है, पुरसकून जगह है। आप भी हैं अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।